सारे काम को पीछे रख लो, सारे काम को बैठो, इसलिए कहते सारे काम को पीछे रख लो, पीछे करके कथा में बैठो, क्योंकि कथा में नहीं बैठोगे ना, कहते ये कथा क्या होता है, कहते जब हमारी मन किसी गलत काम में जाता है, क्या चालू कर दिया गिरिराज, रोज हम गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं, तो गुरुदेव कहते थे एक गधा भी परिक्रमा कर सकता है, गुरुदेव कहते गधा भी घूम सकता है लेकिन ये कथा नहीं सुन सकता है, इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर कथा नहीं सुने, तुम जो भजन कर रहे हो ना, भजन भजन नहीं, क्योंकि कथा ऐसे की चीज है, जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं वो कथा हर समय हमें बाधा देता है, कथा हमें बाधा देता है, इसलिए इसका नाम है शास्त्र। शास्त्र मतलब क्या होता है, जो हमें हर समय शासन करे, गलत रास्ता से हमें हर समय जो हमें बचाव करे, हैं, क्योंकि हम बद्ध जीव है, बद्ध जीव होने का नाते हमारा जो चित्त वृत्ति है ना स्वाभाविक रूप में गंदे चीज में जाएगा, इसको कोई अच्छे चीज में लाने के लिए फिर हमको जोर जबरदस्ती आनी करते समय हम क्या करते हैं, आचमन करते हैं, तीर्थों का आह्वान करते हैं, मंत्र को द्वारा तिलों को स्थापन करते हैं, फिर जा करके किसी तरह से ये मन भजन में लगे, फिर किसी तरह से हम जा करके भजन में बैठते हैं, है ना, लेकिन आंख बंद करो इतना करके भी जब मंत्र जब करते हैं बस मन तो चला गया, वो अपना काम कहीं कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और इधर माल हाथ भी चल रहा है, इधर मुंह भी चल रहा है, लेकिन मन भी चल रहा है, बोले मन कहाँ चल रहा है, बोले जहाँ पर तुम्हारी आसक्ति है, जहाँ पर तुम्हारी आसक्ति, मन उधर ही काम कर रहा है, लेकिन ऊपर दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, बैठे रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन मन वहाँ पर नहीं, मन तो और कहीं जाप, लेकिन जब शास्त्र सुनते हैं ना, ये माँ है, कहते भागवत हमारी माँ, वेद हमारे भाई, ये पिता है, और दूसरे पुराने हमारे भाई और बहन ही है, जैसे पिता माता भाई बहन हमारे कल्याण चाहते हैं, हमें सद्मार्ग दिखाते हैं, शास्त्र हमें सद्मार्ग दिखाते, कथा नहीं सुन रहे ना, ज्यादा दिन मठ में रह नहीं सकते, जिसको कथा से रुचि खत्म हो गई मतलब घर में जाने का इसका समय हो गया है, इसका पक्का लक्षण है, घर के जाने का इसका समय हो गया है, हैं, घर जाने का इसका समय हो गया है, और उसका ज्यादा दिन बटवास नहीं, ये पक्का समझ लो, क्योंकि कथा तभी रुचि होती है जब भगवान की भक्ति में रुचि हो, अगर हम कोई गलत काम करने जाएंगे शास्त्र रुकेगा, सावधान, क्या कर रहे हो, घर बार छोड़कर आए कहाँ जा रहे हो तुम, घर से लात मारकर भगा दिए फिर उस तरफ में क्यों जा रहे हो, ये शास्त्र हमें बताएगा, दुनिया में कोई हमें नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, शास्त्र बताएगा क्यों गलत काम में जा रहे हो, हैं, अगर ये शास्त्र नहीं बताएगा ना फिर तो हम स्वाभाविक गलत रास्ता में चलते रहेंगे, इसलिए जब तक शास्त्र पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे भागवत कथा हरिकथा में, तब तक समझो हमारी भजन हो रहा है, हैं, भजन हो रहा है, गुरुदेव इसे गुरुदेव कहते थे, हम और सारे काम में बड़े रुचि है, दिन भर पूजा भी कर रहे हैं, दिन भर सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन कथा में तुम्हारी रुचि नहीं, कद पंड सही श्रम, क्या तुम जो जो कुछ कर रहे हो सब बेकार हो जाएगा, वो ज़्यादा दिन तुमको रखा नहीं करेगा, वो ज़्यादा दिन तुम्हें रखा नहीं करेगा, कौन रखा करेगा, शास्त्र रखा करेगा, इसलिए गुरुदेव कहते थे जब हरिकथा हो सारे काम को छोड़कर हरिकथा में बैठो, हरिकथा सुनो, जितने काम को हम काम समझते हैं वो काम बाद में हो सकता है, उस कथा काम बाद में हो सकता है, लेकिन हरिकथा हर समय हरिकथा होएगी नहीं, अगर हमें कोई बच्चा रखा गया ना कथा ही हमें बचा कर रख सकता है, और दुनिया में कोई हमें बचा कर नहीं रख सकता, कोई दुनिया में हमें बचा करके नहीं रख सकते, हाँ, इसलिए कथा सुनने से हर समय हमारे अंदर में बदलाव आए, ठीक है ना, इसलिए जब कथा हो जितने काम हम कर रहे हैं उसको पीछे रख लेना, वो काम का हम पीछे कर सकते हैं, हैं, इसलिए कथा में पूरा अच्छे तरह से बैठना, अभी देखो प्रभुपाद क्या कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद हम श्रवण कर रहे थे, प्रभुपाद का उपदेशामृत को श्रवण कर रहे थे, प्रभुपाद ने हमारे कल्याण के लिए उन्होंने जो बात बताया, कल्याण के लिए जो बात बताए प्रभुपाद ये सब बात बोल रहे थे, क्यों, हम बद्ध जीव हैं, हमारे भजन में रुचि नहीं है, हमारी रुचि दुनिया में है,
लेकिन प्रभुपाद ये दुनिया से हमें उठा करके कहाँ ले जाना चाहते हैं? भगवान के पास में ले जाना चाहते हैं, ठाकुर जी के पास में हमें ले जाना चाहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कैसे वहाँ जाने के लिए चाहते हो, वो आए गोलोक वृंदावन से, गोलोक वृंदावन से आए, इसलिए वहाँ ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम क्या करनी चाहिए, उनकी बात को हम सुननी चाहिए, फिर हम उनके पास में जा सकते हैं। हम सुनेंगे हमें वहाँ ले जाने के लिए वो क्या कहते हैं। कहते हरि भजन कारी व्यतीत सकल ये निर्बोध हो आत्मघाती। कहते जो भगवान की भजन नहीं करते हैं, कहते उनसे बड़े बेकूफ दुनिया में कोई नहीं, उनसे बड़े बेकूफ कोई दुनिया में नहीं। आत्मघाती, वो अपना आत्मा को हत्या करने वाले हैं जो प्रभु की भजन नहीं करते हैं। क्यों? वो किस चीज़ के प्रति हमारी आसक्ति है? उसी दिन एक कथा सुना रहा था, लेकिन वो कथा भक्ति वेदांत श्रील स्वामी महाराज ने ये कथा सुनाई थी। हाँ देखो, एक समय कोई राजकुमारी भजन करने के लिए आती, बड़ी सुंदरी राजकुमारी। एक राजकुमार उसकी सुंदरता देखकर लट्टू हो जाता है, कहता है मैं शादी करूँगा। लेकिन वो तो सब छोड़कर भजन करने के लिए आए, भजन करने के लिए आए, लेकिन वो कहता है शादी करूँगा। राजकुमार वो जो बोलेगा उसको होगा, वो जो कुछ इच्छा कर सकता है। अभी राजकुमार तो विपत्ति में पड़ी गई, हम तो इसे मना नहीं कर सकते, राजकुमार है, वो जोर जबरदस्ती कर सकता है। अभी वो जाता है अपना किसी संतों के पास में, गुरु जी हमारे पास में ये विपत्ति आई है, अभी बताओ मुझे क्या करनी चाहिए। तो वो कहती है एक काम करो, हैं एक काम करो, कुछ ऐसे मेडिसिन ले लो, हैं ऐसे कुछ मेडिसिन ले लो जिसको खाने से क्या होगा, तुम्हारी पायखाना होगी, तुम्हारी पायखाना होगी। उसको बोल दो, दो दिन बाद में तुम आना, हैं फिर तुम्हारी इच्छा को हम पूरी कर देंगे। अभी उसने खा लिया ऐसे गोली, कभी जितना पायखाना पैसा बना, गमला में, गमला में ढक कर रख देना, हैं और जब वो आएगा फिर उसको दिखा देना, उसको दिखा देना ये चीज़ को। अभी उसने क्या किया, ऐसे उसने दवा खाई, पायखाना पेशाब डायरिया हो गया, और वो चीज़ को गमला में भर करके, उस चीज़ को उसने गमला में भर करके उसको रखती थी। अब देखो दो चार बार अब पतला पायखाना हो जाए ना, चितपात हो जाओ, माल ये बल है, बल हमारी बल है। अभी उसको भर भर कर रखा टाटी पे, साबो दो तीन हो जाए ना, उसमें ऐसे बदबू निकलता है, पास में खड़े भी नहीं हो सकते हो, पास में खड़े भी नहीं हो सकते हो। अभी उसको गट ढक कर रख दिया, ढक करके जब रख दिया, अभी वो दो दिन बाद में आया राजकुमार। जब आया, जब पायखाना करते 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 उसको आँख निकल करके आ गया, कि जो रसगुल्ला जैसे फुला हुआ नहीं, सब अंदर में चला गया, दांत निकल के, जैसे पत्नी होती ना, वो पत्नी जैसे हो गई, भूतनी। वो आया आ करके और उसको ही पूछ रहा है, बोले वो जो राजकुमार थी वो कहाँ है, उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। दो दिन में मैला कपड़ा पहने हुई, दो दिन में पहचान नहीं पा रहे हैं, बोले राजकुमारी कहाँ है, बोले राजकुमारी वहाँ पर, बोले कहाँ पर, बोले जो कपड़ा ढका हुआ ना उसको निकालो। जब उन्होंने वो कपड़े को उन्होंने खोला है ना, हैं कपड़े को खोला, टाटी पेशाब पी उसके अंदर भरा पड़ा हुआ, इतने बदबू आ रहा था खड़ा भी नहीं हो जा पाएगा, हैं बोले ये क्या है, हाँ ये क्या है, बोले दो दिन पहले तुम जो सुंदरता देख रहा था ना, हाँ बड़ी चुई मुई भोली भाली हैं, बड़ी प्यारी प्यारी, इसलिए वही चीज़ ये शरीर में भरा हुआ था, वही चीज़ शरीर में भरा हुआ था, इसलिए अभी दो दिन से वो निकल गया ना, और आँख निकल गया, गाल निकल गया, मुंह निकल गया, वही था इसलिए दिख रहा था। इसलिए तुम जिस चीज़ के प्रति आसक्ति था, वही टाटी पे सब खून का प्रति तुम आसक्ति था, इसलिए इतना सुंदर दिख रहा था। सचमुच से उसका भी वैराग्य हो गया, उसका भी वैराग्य हो गया संसार में, मैं यही चीज़ का प्रति आसक्ति था। इसलिए देखो जब हम घर बार छोड़ करके आते हैं ना, घर बार छोड़ कर भजन करने के लिए आते हैं, स्त्रियों से उतना मिला करो जितना तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करनी चाहिए जितने हमारी ज़रूरत, अगर कोई सेवा के लिए, विशेष सेवा के लिए ज़रूरत हो उनसे बात करो, जानबूझ करके हमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए।
क्योंकि अब माया तो एक बार घर बार छोड़ करके आए, संसार का डंडा खा करके आए, फिर अगर उसको पागल होकर उसको पीछे पीछे भागते हैं फिर तो गड़बड़ी, कहीं फंस जाएंगे, बुरी तरह से फंस जाएंगे, फिर जाकर माया की डंडा खाना हमें पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड प्रदान किया। उन्होंने भिक्षा करने के लिए गए थे, किसके लिए? महाप्रभु के लिए भिक्षा के लिए गए थे, और को लिए नहीं, महाप्रभु के लिए उन्होंने भिक्षा के लिए गए थे। बोले क्यों? बोले चावल मोटा चावल था, भिक्षा में आता है, उसको दे करके पतला चावल ले आएंगे, हैं पतला चावल ले आएंगे, सेवा किसका होगी? महाप्रभु की सेवा होगी। सेवा महाप्रभु के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने भिक्षा करने के लिए गए, उसको प्रति कोई भोग दृष्टि से उन्होंने देखा है, भोग दृष्टि देखा है, इसलिए महाप्रभु लास्ट में इसको मृत्यु दंड प्रदान किया, मृत्यु दंड प्रदान किया। महाप्रभु उसको कृपा नहीं किया, भक्तों ने बहुत प्रार्थना की उसको फिर कृपा करो, उसको फिर कृपा करो, लेकिन महाप्रभु ने कृपा नहीं किया। लास्ट में उसने आत्महत्या किया, लास्ट में उसने आत्महत्या किया। महाप्रभु सुन करके क्या कह रहे जानते हो? महाप्रभु सुन करके कहते हैं सो पाप हाँ कृतम अस्मिन, मतलब जो जैसे कर्म किया उसको ऐसे दंड मिला, अच्छा हुआ। महाप्रभु कहते अच्छा हुआ, तुम वैराग्य हो करके संसार छोड़ करके आए हो, भजन के लिए आए हो, हैं भजन के लिए आकर किसी और दूसरे औरत को पीछे भागने लग गए। कभी कभी हम ब्रह्मचारी होकर किसका दूसरे लड़की कंटेक्ट नंबर रख लेते हैं, हेलो कैसे हो? नहीं, जब छोड़े हो ऊपर से हृदय से चीज को छोड़ने के लिए कोशिश करो, नहीं तो कहीं ना कहीं फंस करेगा ना, फिर नरक में लेकर गड्ढे में डाल देगा, फिर उसी गड्ढे में डाल देगा, फिर तो माया की डंडा पड़ने शुरू हो जाएगा। इसलिए पहले हमारी गुरु जी के मठ में देखो जो फोन है ना, अब देखा ना हमारा मंदिर में, मंदिर में किसी वक्त फोन नहीं, एक ही फोन है हमारे गुरु जी के मंदिर में, एक ही फोन है। कहीं क्या होता है, हम जब अलग फोन रखते हैं ना, हम जब कोई अलग फोन रखते हैं उसमें गलत संबंध कर देते हैं, उसमें क्यों बद्ध जीव है ना, बद्ध जीव होने का नाते हमारे जो वृत्ति है, हमारा जो स्वभाव है वो गंदी चीज में, वो अच्छी चीज में नहीं जाता है, हमारी स्वभाव गंदी चीज में जाती है हमारी स्वभाव है, इसलिए वो फोन भी अलग रखना ब्रह्मचारियों के लिए सही नहीं, सही नहीं। इसलिए तभी फोन रखो हैं, वही रखे जब कोई ठाकुर को सेवा के लिए, ऐसे नहीं पैसा जो मंदिर में आता है किसके पैसा आता है? ठाकुर के पैसा, ठाकुर की सेवा की पैसा आता है। अगर वो पैसा से हम कोई गलत कंटेक्ट करके लड़कियों को फोन नंबर रख ले, हेलो कैसे हो आपको बड़े प्यार करती, अगर ये सब व्यवहार करते हो पैसा ठाकुर का पैसा कहाँ लग रहा है, तो उसको भोग कौन करेगा? उसको भोग कौन करेगा? जिसने पैसा दिया वो इसलिए पैसा दिया भक्त सेवा में, साधु सेवा में, ठाकुर सेवा में वो पैसा देता है, पैसा ठाकुर की सेवा में दिया है। इसलिए गुरुदेव कहते पैसा नहीं वो जहर है, जहर है पैसा नहीं, वो जब ऐसे घुमा घुमा कर देता है ना, हमारे संसार का दुख कष्ट चले जाए, बेटा बेटी की बीमारी सही हो जाए, उनका बीमार, इसलिए तो देता है घुमा घुमा करके। गुरुदेव कहते पैसा नहीं वो जहर है। अगर वो पैसा गुरु वैष्णव सेवा में नहीं लगा, अगर कहीं इधर उधर लगा, ब्याज समेत तुम्हें उसका पाप भोगना पड़ेगा। वो चक्रवर्ती ब्याज होता है ना, चक्रवर्ती ब्याज होता है, उसको ब्याज समेत तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो छोड़ेगा नहीं तुमको। इसलिए कहते साधु साधु, ये साधु को सावधान क्यों करे? प्रसाद पहले पहले बोले साधु, हाँ सावधान कर देते भैया साधु सावधान। इसलिए पहले नंदगांव में कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा था, अभी उसने कहीं गया दो चार दिन के लिए, कहीं गया तो जब आया दरवाजा बंद था, एक व्यक्ति कह रहा है खाना दो खाना दो। उसने दरवाजा खोला, देखो कोई है ही नहीं, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ। थोड़ी देर बाद में फिर आवाज आता है खाना दो खाना दो, फिर दरवाजा खोला, देखो कोई नहीं कुत्ता बैठा हुआ। उसके बाद में फिर बोले खाना दो, भले भाई कोई है ही नहीं, देखा कुत्ता बोल रहा है। कौन बोल रहा है? वो कुत्ता बोल रहा है। फिर पूछा भैया तू ये क्या बात है? तो उसे बताया पहले मैं साधु था, भगवान की सेवा में जो वस्तु आया है उसका मैंने अपना सेवा में लगाया, उसका मैंने गुरु वैष्णव सेवा में नहीं किया है, उसका मैंने अपव्यवहार किया,
अपव्यवहार करने का नाते इसी जीवन में हमें कुत्ता रूप में हमें आना पड़ा, कुत्ता रूप लेना पड़ा। इसलिए कहते भैया जो भगवत सेवा में जो चीज आती है, ठाकुर के सेवा में जो चीज आती है ना, वो चीज को सही सही भगवत सेवा में ये चीज लगनी चाहिए, सही चीज लगनी। इसका नहीं तो जो दे जाता है जो चीज कर्म बंधन को साथ में, कर्म बंधन को साथ में तुमको पूरा ब्याज को साथ में तुम्हें भोगना पड़ेगा, समझ रहे हो। इसलिए यहां पर कह रहे जो भगवान की भजन नहीं करते हैं वो कौन है, बोले उनसे बड़ा बेकू जगत में कोई नहीं। क्यों? वो टाटी पेशाब हीन कूप में वो आ सकते हैं, शरीर तो है ही ना, टाटी पेशाब खून पीक तो शरीर, शरीर तो और कुछ है ही नहीं, शरीर तो और कुछ नहीं, वो इसी चीज में आ सकती। बोले भैया इससे बड़ा बेकूफ कौन हो सकता है। इसलिए कहते जो भजन हरि भजन के व्यतीत तो कहते सबके सब निर्बोध और मूर्ख है और सबके सब आत्मघाती, कहते सबके सब ये आत्मघाती। इसलिए जब मंदिर में आए ना, इसलिए हर समय इस चीज को हमें सावधान रहनी चाहिए। जो चीज हमने छोड़ करके आए, जो चीज को छोड़ कर उससे दूर रहो। और एक चीज समझो, जब हम मंदिर में रहते हैं, अगर हमारे शरीर अगर मंदिर में है लेकिन मन हमारी और कहीं पर है, मन हमारी और कहीं पर हमारी मन है, तो हम कहाँ रह रहे बता? हम मंदिर वास कर रहे हैं ना और कहीं रह रहे हैं? मंदिर में नहीं रह रहे हैं, वो देखने के लिए लगता है हम कहाँ रह रहे हैं, मंदिर में। लेकिन तुम मंदिर में नहीं रह रहे हो, तुम्हारी मन जहां पर वही तुम रहे, जहां तुम्हारी मन तुम वही रह रहे हो, हैं? इसलिए जब मंदिर में आए, जब जो चीज को हमने छोड़ करके आए, शादी किया उसको छोड़ा, फिर जानबूझ कर प्रभु जी नहीं करनी चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो माया है ना, सुई बन करके घुसती है और फाल बन करके निकलती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं वो माया ऐसे आती है ना, पता नहीं चलता है। बोले प्रभु राधे राधे हरे कृष्ण, कोई चीज तुम्हें दे जाएगी, छुपा करके दे जाएगी, कोई चीज तुम्हें छुपा करके दे जाएगी। अभी तुम बोलो भैया ये लड़की तो बड़ी मेरे को बड़ी प्यार करती है। बोले प्रेम प्यार नहीं करती, वो सुई बनकर घुसी, सुई बनकर तेरे अंदर में घुस गई हैं। और दूसरे दिन आकर के प्रभु हालो हरे कृष्ण आप कैसे हो, कहाँ पर हो, हमने सोचा बड़ी प्रेम करती है, और प्रेम नहीं करती हो, वो पिशाच तुम्हारी खून चूसना चाह रही है, तुम्हारी अभी जो थोड़ी बहुत खून रह गया ना उसको चूसना चाह रही है, वो हालो हरे कृष्ण नहीं कर रही हैं, वो हरे कृष्ण हालो नहीं कर रही हैं, वो तुम्हारी खून को चूसना चाह रही। इसलिए एक चीज याद करो, जब हम आए जो लड़कियों से जानबूझ करके छलांग मत लगाओ, छलांग मत लगाया करो, जितना जरूरत के जितना जरूरत नहीं, कोई विशेष काम के लिए जरूरत हो जा करके तभी उसके साथ बात करो, तभी जाकर बात करो। बिना कारण से जा करके किसी लड़की से बात करना, घंटे घंटे तक बिना कारण से बात कर रहे, भैया क्या जरूरत है, क्या तुम्हारे पेट में रोटी हजम नहीं हो रही, तुम्हारे पेट की रोटी हजम नहीं हो रही तुम्हारे पेट की। इसलिए जितने दूर हो सकता है वहां से दूर रह करके सेवा के लिए अगर कोई जरूरत हो जा करके, नहीं बिना कारण से घंटे घंटे हाँ बोल हाँ हुआ करे नहीं, ये सब लक्षण साधु का नहीं। फिर तुम्हें खींच कर क्या करेगा, फिर तुम्हें गड्ढे में ले जाएगा, जो चीज छोड़ करके आए ना फिर उसमें लेकर फिर गड्ढे में डाल देंगे, दोबारा गड्ढे में डाल देगा फिर हम। इसलिए ये सब चीज को सावधान रह करके, जब हम ब्रह्मचारी बने हम सावधान ये सब चीज का रह करके भगवान की भक्ति करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। कहते उनका जो चौथा नंबर उपदेश देखिए सबसे ज्यादा महत्व है, कहते जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जो मठ में रहना चाहते हो, कहते उनकी सबसे बड़ी गुण क्या है, कहते उनका सबसे बड़ी गुण क्या है, बोले सहन करना, ये सहन करना सबसे बड़ी गुण। इसलिए कहते जो सहे सो रहे, जो नाश है वो नाश है, हैं? कहते ये सहना सबसे बड़ी गुण है। इसलिए हैं, इसलिए प्रभुपाद जाने से पहले प्रभुपाद बोल कर गए, बोले सत्य लांछना सत्य गंजना सत्य अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना, प्रभुपाद कहते। लेकिन बद्ध जीव का क्या होता है ना, संसार में स्त्री का डंडा खाएगा, बच्चे का भी डंडा खाएगा,
बेटी का भी डंडा खाएगा, सबका डंडा वहां खा सकता है, लेकिन मंदिर में आकर के अगर कोई गुरु वैष्णव अगर थोड़ी सी हमारी आत्मकल्याण के लिए अच्छे के लिए कोई बात करें उतना हमारी सहन नहीं होता है। ये चीज हम सहन नहीं करते। माया की देखा ना, संसार में कौन संसार में डंडा नहीं खा रहा है, सबका डंडा खा रहा है, दुनिया सबका सबकी डंडा खा रहे हैं। डंडा के बगैर संसार में कुछ है ही नहीं। तुम उनको सेवा कर रहे हो, कमा रहे हो, उनको खिला रहे हो, सब कुछ तुम ही कर रहे हो और सबका गाली तुम ही खा रहे हो। मटका इंचार्ज भी बना, देखो मैं भी था वृंदावन मठ में, हैं, सबका सेवा मैं करता था। कोई रोसी बनाने के लिए नहीं, मैं रोसी बनाता था। कोई मंदिर साफ करने के लिए नहीं, मैं ही मंदिर साफ करता था। कोई बर्तन मलने के लिए नहीं, मैं ही बर्तन मलता था। भिक्षा करने के लिए हैं, मथुरा में भिक्षा करने के लिए, प्रभु जी भिक्षा करने के लिए मैं ही जाता था। और गली गली में घूम घूम करके नए नए घर में, नए नए घर में मैं भिक्षा करता था। नए नए घर में बहुत लोगों को हमने जुड़ा था जो सोच नहीं सकती, और भिक्षा की बहाना से बैठ बैठ कर हरी कथा सुनाता था। हाँ, धूप में घूम घूम कर आता था, उसमें जो एक एक पैसा होता था गुरुदेव को ला करके गुरुदेव को दिया था। एक दिन क्या हुआ, भिक्षा में लाए पैसा, जब पैसा लाए उस समय 10 रुपया भी बहुत पैसा था, और मेरे उस समय ना पेट में बहुत गड़बड़ था, बीमार था, मेरे पेट में हजम नहीं होता था। मैंने क्या किया, मैंने गुरुदेव 10-15 रुपया दिया, उस समय 10-15 रुपया बहुत दिया। बोले गुरुदेव मेरे को 5 रुपया दे दो, मेरे को 5 रुपया दे दो। गुरुदेव बोले किस लिए मांग रहे हो? बोले गुरुदेव मेरे ये है, पेट में हजम नहीं, दवा लूँगा। गुरुदेव झट बोले देखो हठात मेरे को पैसा दे करके पैसा नहीं मांगनी चाहिए, हठात पैसा देकर इसका मतलब भिक्षा करके लाया आपको दिया हम दे दो, हठात नहीं मांगनी चाहिए। इसका मतलब होता है हमने भिक्षा करके लाया दिया गुरुदेव और झट तुम झट मांग रहे हो। गुरुदेव मना किया, बाद में आकर के पैसा ले जाना, लेकिन झट नहीं मांगनी चाहिए, झट पैसा नहीं मांगनी चाहिए। हमको लगेगा हमने भिक्षा करके लाए गुरु जी को दिया, हमारा हक है, अभी हमें 5 रुपया हमें दे दो। इसका गुरुदेव मना किया, मेरे गुरुदेव मना किया। अभी गुरुदेव मेरे कोई कपड़ा दे रहे थे, मैंने कोई हरिनाम कर रहा था, हठात इसको मैंने बाम हाथ से ले लिया। गुरुदेव बड़ी डांट लगाए, बोले नहीं, जब गुरुदेव कोई वस्तु देते हैं आदरपूर्वक प्रणाम पूर्वक लेने चाहिए। हरिनाम अलग रखो, हरिनाम अलग रखो। रख करके दोनों हाथ से कृपा पूर्वक कपड़ा दे रहे थे ना, दोनों हाथ से श्रद्धा पूर्वक लेकर के प्रणाम करते हुए लेनी चाहिए। बाम हाथ में लेना मतलब अनादर है, कुछ चीज़ को हम अनादर कर रहे हैं, नहीं गुरुदेव दे रहे हैं हमें कोई चीज़ को। मतलब गुरुदेव ना ये छोटी छोटी चीज़ को गुरुदेव ने शिक्षा देते थे, हैं, कोई भी वस्तु है हम अगर भिक्षा भी करके आते हैं इसमें हमारी अधिकार नहीं, इसका अधिकार किसके अधिकार, इसमें गुरु जी की ही अधिकार है। सब कुछ गुरुदेव को देनी चाहिए, जब जरूरत हो उनसे कुछ मांग करके लो। लेकिन हठात तुम भिक्षा में ला करके उस चीज़ का अपना पकेट में रख दिया, नहीं। आप मथुरा में एक पैसा भी, उस समय हम जाते थे ना भोजन के लिए, 1 रुपया 2 रुपया मिलता, ज़्यादा मिलता 1 रुपया 2 रुपया मिलता था। अगर किसी ब्रह्मचारी ने 1 रुपया 2 रुपया अगर किसी ने नहीं दिया ना, गुरुदेव ने कहा ऐ तुमको पैसा मिला था ना, बोले हाँ। बोले कहाँ किया? बोले गुरुदेव मेरे पास में टूथपेस्ट नहीं है, टूथपेस्ट नहीं इसलिए रख लिया। बोले नहीं, निकालो 1 रुपया, क्योंकि 1 रुपया नहीं वो जहर है, जिसने दिया है वो जहर दिया तुम्हें, 1 रुपया नहीं दिया, क्योंकि सारे कामना वासना को लेकर के उसने तुमको दिया है, वो जहर दिया, निकाल पैसा ले आओ। लेकर के उसको बाद में फिर गुरुदेव उसको कहते मेरे पास में आ गया, लो अब इसको लेकर तुम टूथपेस्ट तभी तुम खरीदी करो। मतलब गुरुदेव एक एक चीज़ को शिक्षा प्रदान करते थे, नहीं हर चीज़ मंदिर में ठाकुर जी की सेवा के लिए आता है, कोई चीज़ हमारी भोग के लिए कोई नहीं देते हैं, हमारी भोग के लिए कोई चीज़ हमें नहीं देते। जो चीज़ देते हैं ठाकुर जी की सेवा को उद्देश्य में देते थे। गुरुदेव कहते थे अगर ये चीज़ अगर ठाकुर को सेवा में सही सही नहीं लगा ना, कितना विषय अर्ण खाई ले मलिन है मन, अल मलिन मन है ले ना है कृष्ण स्मरण। जब विषय व्यक्ति का अर्ण खाते ही धीरे 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 हमारा मन क्या होगा, धीरे धीरे विषय में तरफ में चला लग जाएगा। क्यों? विषय व्यक्ति उसको ठाकुर को गुरु वैष्णव सेवा में लगाए नहीं, फिर वो क्या होता है पैसा, धीरे 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 थोड़ा मन में जिसका पैसा तुमने लिया ना, धीरे धीरे उसका विषय तुम्हारे अंदर में घुसेगा, फिर क्या होगा, धीरे धीरे भजन से मन तुम्हारी हटना शुरू हो जाएगा, भजने से फिर कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, फिर माया के प्रति, धीरे धीरे माया के प्रति तुम्हारी मन धीरे धीरे, और जहाँ आए फिर माया फिर हम खींच करके हमें वहीं ले जाएगा। इसलिए कहते मठवासियों को सावधान रह करके भगवान की भक्ति
करनी चाहिए, नहीं तो ये जो माया है ना, ये माया बड़ी ठगनी, ये माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। हैं, कितने साल रहने का बाद वो असावधानी होने का नाते फिर माया में चले जाते, फिर वो माया में चले जाते। इसलिए पहले से ही अगर कोई ऐसी चीज हमें काट देनी चाहिए, अगर पहले से नहीं काट दोगे ना, फिर धीरे 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 इतना करते करते बढ़ते 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 बास, जैसे फोड़ा है ना, वो धीरे छोटा सा होता है, करते करते अगर तो सही नहीं करोगे इतना बड़ा होता है, पूरा शरीर को ही ख़त्म कर देता है। इसलिए माया जब कोई सुई होकर के निकलना चाहते हो उस समय उसका काट दो। ऐसे नहीं जानबूझ करके, हम जानबूझ करके उसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं, फोन नंबर ले, हरे हरे कृष्णा कैसे हो क्या कर, नहीं, ये साधु का वृत्ति नहीं, ये संत वृत्ति नहीं। जब हम ऊपर से हम चोला धारण किया साधु का हैं, इसलिए गलत चीज़ से हमें दूर रहनी चाहिए। किसी लड़की की बिना कारण के कोई कंटैक्ट नंबर मत रखो, कोई कंटैक्ट नंबर मत रखो बिना कारण की हैं, कोई सेवा विशेष जरूरत हो, कोई विशेष जरूरत हो तभी उसकी नंबर को रखा करो, कोई सेवा की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं बिना कारण से उल्टा पुल्टा की सब फोन नंबर रख करके, यही फोन तो गड़बड़ी कर रहा है ना, यही फोन ही जीव को धीरे 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 माया में ले लेता है, ये फोन ही, ये काल है। इसलिए हमारे गुरु जी के मठ में किसी ब्रह्मचारी के पास फोन नहीं रखने देते हैं, वो एक ही फोन है, देखना हमारे गुरु जी मठ कहते ना, वो एक ही फोन है, जब आता है साधु महाराज आएगा तो साधु महाराज लेंगे, और नहीं तो शुभानंद प्रभु बुलाएगा तो शुभानंद फोन लेंगे, और किसका आएगा, एक फोन रखा रहेगा, किसको पास में नहीं, सबसे साम, क्यों, हमारे पास में अगर फोन स्वतंत्र रूप में होता है फिर हम उसको अपव्यवहार करने लग जाते हैं, उसको अपव्यवहार करने लग जाते हैं, हम बद्ध जीव है ना, हमारे बुरी आदत है, फिर उस फोन को अपव्यवहार करने लग जाते हैं, हेलो कैसे हो, घंटे घंटे तक उल्टा सीधा व्यक्तियों के साथ में बात करेंगे, फिर मन कहाँ जाएगा बताओ, मन जाएगा कहाँ जिसको साथ में बात कर दो, हम तो बद्ध जीव है, हमारा मन तो गंदी चीज में है ही हमारी मन, इसलिए मन फिर धीरे धीरे देखने के लिए ऊपर रह रहे मंदिर में, मन और हमारी कहाँ पड़ा हुआ है, मन और कहीं पड़ी हुआ, इसलिए फोन रख तो सावधान। इसलिए वृंदावन में स्मार्टफोन रखने का परमेश्वर प्रभु वहाँ अलाउ नहीं करते। एक बच्चे को मार करके निकाल दिया उन्होंने, निकाल दिया उसको, और लास्ट में उसी फोन का वजह से बस अभी घर में जाकर नौकरी कर रहा, मैं मिला उसको मतलब देखा प्रभु ने तेरे को मार रहे थे ना, क्यों फोन, ये फोन तेरे को कहाँ ले आया, वहाँ से मंदिर से गया, बोले अकेला भजन करेंगी, बोले भजन हो गया तेरा, भजन हो गया, तेरा फोन ही खींच करके घर में वापस ले आया, वो फोन ही खींच करके तुम घर में घुसा दिया। इसलिए अगर हम अपना आत्मकल्याण चाहते हैं, इसमें अपना आत्मकल्याण है, वो चीज़ को देखनी चाहिए, गंदी चीज को अपनी, अब हमें कोई बोले फिर हम जाकर कर, ये नहीं, नहीं, जब ये चीज़ हम देखते हैं ये चीज़ हमें गलत रास्ता पर ले जाता है, अपनी आप बुद्धिमान व्यक्ति को वहाँ से दूर हो जानी चाहिए। जब हम भक्ति कर लिया है, भजन के लिए आए, इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे, मेरे गुरुदेव कहते थे, किसी तरह से एक जीवन मठ में बिता दो, हमारे गुरुदेव कहते थे, मिलजुल करके सेवा करते हुए किसी तरह से एक जीवन बिताओ, क्यों, हमारी गड़बड़ी, हमारे जो संस्कार बिगड़ हुई संस्कार है, एक जीवन मठ में रहोगे देखो कितना लाभ है, सवेरे उठते ही ठाकुर का मंगला आरती किया, बैठ कर कीर्तन किया, हरि कथा सुने, तुलसी परिक्रमा किया, थोड़ी बहुत हरि नाम किया, ठाकुर सेवा किया, सवेरे से लेकर अभी तक तो हमारे मन में किस चीज भावना आ रही, भगवान कीर्तन कथा भजन, घर में उसी चीज होगी, बोला घर में होगा, सवेरे उठते ही घर में नमक है कि नहीं, तेल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, हैं, घी है कि नहीं, दिन भर बाद नमक हल्दी तेल की चिंता दिमाग में, यही चीज घूमती कि नहीं, और सोने से लेकर के उठने से पहले लेकर के सोने तक दिमाग में यही चीज घूमती रहती है। फिर काम करने के लिए जाएगा संसार में, 10-10 घंटा उसमें काम, किस तुम्हारे मन कहाँ गई, कैसे पैसा कमाएंगे, मन पैसा में लगा, फिर किसी तरह से घर में आते ही पत्नी बोले घर में चावल ये नहीं बचा, या फिर भगई, फिर दिन भर किसको साथ, बीबी को साथ में सोए, बोले दिन रात कितने समय तुमने भगवत स्मरण किया बता, कितने समय भगवत स्मरण हुई, और उसका अंदर में
अगर थोड़ी सी माला लेकर 10 मिनट बैठोगे ना, अभी रील में जो भरा हुआ तो वही निकलेगा ना, रील में जो भरा हुआ तो वही निकलेगा। हम दिन भर जो किया, थोड़ी भजन करने के बैठे, घर में ये है कि नहीं बच्चे स्कूल जाएगा, उसके फीस भरा कि नहीं, बस 10 मिनट जो भजन कर तो वो भी मन उसमें गया। इसलिए मेरे गुरु जी कहते थे, भैया एक जीवन किसी तरह से रह करके मठ में क्या करो, एक जीवन किसी तरह से मोर गुरुदेव यही ये किसी तरह से एक जीवन ऐसे बिता दो। क्यों? इसमें केवल संस्कार ही संस्कार बने। दिनरात कीर्तन हरिकथा, गुरुदेव कहते थे ये मंदिर नहीं, गोलोक वृंदावन है, ये गोलोक वृंदावन है, ठाकुर का सेवा पूजा भक्ति यही चीज मंदिर में होता है, ठाकुर जी की सेवा पूजा है, हैं। इसलिए किसी तरह से एक जीवन हमें साधु जीवन में रह करके एक जीवन बिता दो। अगर फिर संसार में गई, बस वही जो कर रहे तो वही करो, और क्या। दिन भर बीवी की सेवा करो, उसका डंडा पड़े उसको लांछना गंजना सहन करो, और एक एक संसार में अलग अलग कहानी। अभी हम गए थे ना पड़ोस, तो गए थे, एक माता जी आकर के तुम्हें सुइसाइड करने जा रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले बेटे के लिए, ये बेटे इतने नालायक उल्टा सीधा करता है, मैं तो सोच सोच कर मैं पागल हो गई, मैं चाह रहा मैं सुइसाइड कर दूँ, हैं, सुइसाइड कर दूँ उनको बीच में आकर के। और इसका क्या था तुम्हारा? हाँ, दीदी की जेठ, पैसा की कमी नहीं उसके घर में, बहुत पैसा है, लेकिन वो मरना चाह रहा है। फिर मैंने उसको समझाया, हाँ, मैंने कहा भैया सुइसाइड मत किया करो, कहते हमको शांति नहीं, चैन नहीं। फिर उसको मैंने समझाया, ठाकुर के सामने बैठ कर 10 मिनट हरिनाम करो, 10 मिनट हरिनाम करो, जो हरिनाम किया उसको फ़ोन करता है, भैया मेरे को बड़ा चैन मिला, मेरे को बड़ा शांति मिली, मैं तो नहीं सोच रहा था सुइसाइड। संसार ऊपर से जो दिख रहा है ना, बड़ी अच्छी दिख रहा है, बड़ी अच्छी दिख रहा है ना, कितने चुई मुई भोली भाली, कितने प्यारी है ना प्रभु जी। अब तो संसार देख लिया, जीत को पूछ लो उनका संसार भी पूछ लेंगे, अरे भाई भाई में किसी बंटवारा होगा, किसको क्या कर रहे, सारे सारे संसार देखने में ऊपर बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन छलांग लगाओ ना, इसमें जहर जहर है और कुछ उसमें है ही नहीं। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते, देखो मठ में क्या करनी चाहिए, बोले सज्ज करते सेखा मठवासर एक्टी प्रधान गुण, कहते सहन करना मठवासियों का एक विशेष गुण है। थोड़ी समय के लिए थोड़ी आंधी तूफान कोई आती है, संसार में हर्ष में आती है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी माया है ना, कलियुग है, थोड़ी थोड़ी, इसलिए थोड़ी मोड़ी चीज के लिए मन खराब नहीं करनी चाहिए। अरे यहाँ पर भी ऐसे होता है, लेकिन संसार में तो रोज ही होता है, संसार में तो रोज होता है, क्या संसार को छोड़ देते कोई। इसलिए भगवान की सेवा भक्ति के लिए अगर थोड़ी इधर उधर कोई चीज हो, वो चीज को इम्पोर्टेंट नहीं देनी चाहिए, होता है थोड़ी बहुत कलियुग होने का नाते, क्योंकि देखना संसार में दो भाई तीन भाई इकट्ठे नहीं रह सकते, तीन भाई होकर के भी इकट्ठे नहीं रहते हैं, और इसके अंदर में इतने ईर्ष्या द्वेष कभी होता है, भाई भाइयों में एक दूसरे को मारने के लिए तैयारी हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, जान लेने के लिए तैयारी हो जाते हैं। घर में दो भाई तीन भाई में नहीं बनता, और यहाँ पर तो अलग, एक कहाँ से आए तुम कहाँ से आए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं एक तात्पर्य हो, क्या होनी चाहिए, जब एक तात्पर्य होते हैं ना फिर तो लड़ाई नहीं होती। तात्पर्य क्या है, भले एक हो, कैसे हम ठाकुर को सुख देंगे, ठाकुर जी को गुरु वैष्णव को कैसे हम सुख देंगे, एक ही तात्पर्य जब जहाँ पर हो ना, फिर वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, तुम जो चाह रहे हो मैं भी वही चाह रहे हो, वो भी वही चाह रहे हैं, वो भी वही चाह, सब एक ही चीज़ चाह रहे हैं, कैसे हम ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को श्रृंगार करेंगे, ठाकुर जी को कैसे सुख देंगे, सभी की तात्पर्य एक ही है। जब सबका तात्पर्य एक ही है, लेकिन अगर बीच में कोई अलग कोई अगर तात्पर्य आ जाए ना, फिर तो वहाँ पर फिर गड़बड़ी होना शुरू हो जाए। लेकिन जब एक तात्पर्य रहता है, फिर तो एक तात्पर्य जो लक्ष्य करके जब हम सबके सब चलेंगे, फिर तो वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक तात्पर्य हो करके भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी।